हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करूंगी मूवी वीरूपक्ष के बारे में, जिसका रन टाइम लगभग 2.5 घंटे के आसपास का है। ये मैंने नेटफ्लिक्स पर देखी है, ये तेलुगु लैंग्वेज में अवेलेबल है और जल्द ही ये हिंदी वर्जन में भी आ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग इसे पसंद कर रहे हैं, ये 2.5 घंटे की मूवी ज़रूर है, लेकिन एक बार आप इसमें जो वर्ल्ड क्रिएट किया गया है रुद्रवनम नाम के विलेज का, उससे कनेक्ट हो जाएंगे, उसके अंदर पहुँच जाएंगे, फिर आपको टाइम का कोई भी अंदाज़ा नहीं रहेगा। वैसे भी वीरूपक्ष का मतलब होता है आइज विदाउट फॉर्म, जो कि शिव के एक फॉर्म को डिनोट करता है, और जहां शिव है वहां समय तो है ही नहीं, खत्म हो जाता है। वैसे जोक्स अपार्ट, कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली गढ़ी गई है, इतनी ज्यादा कैप्टिवेटिंग है, हॉरर के जो इवेंट्स टर्न आउट होते हैं वो आपको बांधे रखते हैं और आगे जानना चाहते हैं कि इस मूवी में क्या होने वाला है। बहुत ही अच्छी कहानी है। सो पूरी मूवी देखकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी वीरूपक्ष, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर कहानी के सेंटर में है रुद्रवनम नाम का एक गांव और उसके लोग। कहानी में तीन इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक है जो फ्लैशबैक का इवेंट है, जिसमें दो लोगों को मार दिया जाता है ऐसा कहकर कि वो काला जादू कर रहे हैं। उसके बाद 12 साल बाद उसी गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, लोग मरने लगते हैं, एक तरीके का पेंडेमिक फैल गया है। और फिर कुछ पुरानी किताबों को निकाल कर उसमें जो चीज़ें मेंशन है उसके हिसाब से गाँव में क्रियाएँ की जा रही हैं। यहाँ पर ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें अथर्व वेदन में मेंशन है और उसी को बेसलाइन में लेकर इसकी कहानी चलती है। थर्ड इंपॉर्टेंट इवेंट है, वो है सूर्य और नंदिनी का। सूर्य बाहर से अपने गांव आया है, नंदिनी से मिलते ही उसे प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर जो नंदिनी है वो इन सारी जो चीज़ें चल रही हैं इनका शिकार हो जाती है। सूर्य उससे बहुत प्यार करता है। अब क्या सूर्य नंदिनी को बचाने के लिए इन सारी चीज़ों की तह तक जा पाएगा, क्या वो नंदिनी को बचा पाएगा, यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो पुराना फ्लैशबैक इवेंट दिखाया गया है और जो अभी का इवेंट दिखाया गया है ये आपस में कोरिलेटेड है। ऐसा लगता है कि वही काली शक्तियाँ फिर से जागृत होकर ये सारी चीज़ें कर रही हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही कैप्टिवेटिंग है और आपको एक सेकेंड भी सांस लेने का मौका नहीं देने वाली है। सो कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगी और कुछ नेगेटिव्स इस मूवी के। सो द पहला पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस मूवी इज इट्स पेसिंग। इनके पास बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत सारे इवेंट्स दिखाने को थे और उनको इन्होंने बहुत ही फास्ट तरीके से दिखाया है। और जब कुछ ऐसा किया जाता है किसी हॉरर या थ्रिलर मूवी के साथ तो उसका जो मज़ा है वो कई गुना बढ़ जाता है, लोग उससे बंधे रहते हैं, चिपके रहते हैं। यही इस मूवी के साथ भी हो रहा था। जो मेरे साथ थोड़ा एक डिस्टर्बिंग चीज़ थी वो ये थी कि लैंग्वेज बैरियर था मेरे साथ, मुझे सबटाइटल पढ़ने पड़ रहे थे और वो जल्दी जल्दी फ्लिप होते जा रहे थे। जब ये हिंदी में आएगी तो मैं इसे दोबारा देखना ज़रूर पसंद करूंगी। देन सेकंड चीज़ हो जाएगी इसकी प्रोडक्शन डिज़ाइन। जो इन्होंने रुद्रवनम नाम का एक वर्ल्ड क्रिएट किया है, विलेज दिखाया है जो कहानी का सेंटर है, उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या किसी बढ़िया नॉवल में एक मैप बनाया जाता है जो कहानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है समझने के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो ये रुद्रवनम दिखाया है कि कहाँ पर मंदिर है, किस तरीके से उसका घेरा बनाया जाएगा या जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा बताऊंगी स्पॉइलर हो जाएगा, वो यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है। इवन जब आप ग्राउंड लेवल पर भी आके सारी चीज़ों को देखते हैं अंदर से गांव के, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। देन थर्ड चीज़ हो जाएगी जो साई धर्म है सूर्या के रोल में और नंदिनी के रोल में संयुक्ता हैं, वो दोनों बहुत ही एप्ट लग रहे हैं। उनकी केमिस्ट्री तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। शुरू में मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि नंदिनी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, उनकी अच्छी खासी लव स्टोरी चल रही थी जिसमें वही अपना इंडियन लव स्टोरी वाला टच था, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट वाला, जिसे आजकल नहीं पसंद किया जाता है। स्टिल जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी वो एंड तक जाकर एक्सप्लेन हो जाता है। बहुत ही पावरफुल एंडिंग दी है और मुझे काफ़ी पसंद आई है। अब आते हैं थोड़ी सी जो कमियाँ इसके अंदर हैं, VFX को लेकर मेरी शिकायत है। छोटा सा कौवा भी मुझे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लग रहा था और अगर वो रियल कौवा यूज़ कर लेते तो ज़्यादा सही रहता, तो VFX थोड़ा सा मुझे कम लगा। जो सेकंड चीज़ है, जिस तरीके से हॉरर यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा था, ऑर्गेनिकली अपने आप क्रिएट हो रहा था इवेंट्स के साथ, वैसे यहाँ पर जो लव स्टोरी है वो उतनी ऑर्गेनिक नहीं लग रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट द मूवी जो लव स्टोरी का एंगल है वो बहुत सुपरफिशियल लग रहा था, अप्स एंड डाउन्स थे उसमें, तो जो उसके डाउन्स हैं उसको लेकर मैं ये बात कह रही हूँ। बाकी मुझे मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है, मैं तो हॉरर फैन हूँ और मैं एक एक सेकंड के लिए मूवी से चिपकी हुई थी और सेकंड टाइम भी मैं ये मूवी देखूंगी जब इसका हिंदी वर्जन आ जाएगा। सो अगर आप हॉरर फैन हैं मेरी तरह तो आप तो बिल्कुल मिस ही नहीं कर सकते हैं, डिफॉल्ट मोड में आप ये मूवी देखने वाले हैं। बाकी अपने आप में मूवी बहुत अच्छी है, एंडिंग बहुत बढ़िया है। दैट्स इट, बाय।